अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाफ़र है और आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। क्यों ही जानेंगे, क्योंकि मेरा पहली सीरीज़ का पहला व्लॉग है। और अगर आप लोगों को मेरे बारे में जानना है तो मैं आपको सिर्फ दो ही बातें बताऊंगा कि मैं दो ही ज़बानें बोलता हूँ, एक अपनी उर्दू ज़बान और एक फैक्स की ज़बान। अच्छा, हम कराची के जो बॉयज़ हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो प्रेफर करती हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा खाना खाएं, जो कि हमें टेस्ट मिलता है स्ट्रीट फूड के अंदर। तो आइए, आज हम आपको लेके चलते हैं बन कबाब की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। और इसी तरीके से मैंने हमज़ा को अपने घर की तरफ बुलाया, गाड़ी में बिठाया और फिर हम निकल पड़े आयशा मंजिल की तरफ। भाई मेरा नाम अकील हुसैन है। मुझे भाई तकरीबन 26-27 साल हो गए। ये सैंडविच है, सैंडविच बर्गर है, हैदराबादी भाई, और हैदराबाद से है, लेकिन ये इसके अंदर जो सैंपल मतलब कबाब वगैरह जो बनाए हुए हैं वो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। सब चीज़ें मैं घर से बना के लेके आता हूँ भाई। भाई 26-27 साल हो गए मुझे। चार ही ठेले थे भाई, सूप वाला ठेला था एक, एक बारबेक्यू का था और दो बर्गर के ठेले थे बस। अच्छा, अच्छा। यही हैदराबादी सैंडविच के खास ही है। माशाल्लाह से आप आएँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी टेस्टी है, बहुत अच्छा है, सही है। एक अरसे से बनाते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से। अब अच्छी चीज़ है तो 27 साल से बेच रहे हैं। अगर ऐसा होता, चलते फिरते वाले ठेले वाला होता तो फिर तो ये कब का बंद करके भाग भी जाते भाई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। आप आएँ, ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। अब बारी आती है मेरे टेस्ट करने की, और जैसे ही मैंने बन कबाब का पहला बाइट लिया, उफ, इट्स फील्स लाइक अ हेवन, जैसे मैंने किसी चिप्स का बाइट लिया। द क्रंचीनेस ऑफ देयर बन, जो कि बहुत ही ऑसम थी, सारे पैसे उस मेहनत के थे। यहाँ पर जब भी आते हैं तो हमें हमेशा इनके पास आते हैं बन खाने के लिए, क्योंकि इनके बन का टेस्ट एक दूसरे लोगों से थोड़ा जुदा है। जो कि आज तो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ आता हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ इनका टेस्ट। इनका टेस्ट यहाँ से जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ा अलग है और बहुत मज़ेदार है। तकरीबन यहाँ पर 4-5 साल से तो ऊपर हो गए, 4-5 साल से इन्हीं का ट्राई कर रहा हूँ, इन्हीं के पास आ रहा हूँ हमेशा। मैं यहीं बैठा हूँ, फैमिली के लोग मुझे जानते भी है, क्योंकि आज इन्होंने देख के मुझे मेरी तरह स्माइल दिया। थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि मैं बाहर था, तो आज मैं आया हूँ और मैं फॉरन से बन लेना आया हूँ। कि हर चीज़ अच्छी है, चटनी भी अच्छी है, बन भी अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ अच्छी नहीं, इनकी चटनी भी अच्छी, माशाल्लाह बन भी अच्छा। और मतलब कभी इन्होंने किसी चीज़ पर कभी बेशी नहीं की है ना, जब भी चटनी ज़्यादा मांग ली थी इन्होंने हमेशा ओवर ही दिया, बढ़ के ही दिया। और बहुत टेस्ट बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात है इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। दिल तो चाहा वहीं एसएमआर बना लूं, लेकिन सड़क की रौनक, 125 की आवाज़ और डकैतों की डर मुझे मजबूर किया कि मैं वहीं अपना सामान समेटूं और घर निकल जाऊं। लेकिन व्लॉग अभी यहां ख़त्म नहीं हुआ, आगे डेजर्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। सामान समेटा और बैठे गाड़ी में, सोचते हुए गए क्या खाना है। हमज़ा ने बोला भाई आइसक्रीम खानी, तो ले चले उनको कराची आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद हमें लगा अभी भी कुछ मिसिंग है,
तो हमजा की नज़र गई पान पे। हम पान की तरफ दौड़े चले गए। वो पान कोई ऐसा वैसा पान नहीं था, वो था राजा साहब। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा, हमारे साथ जुड़े रहें इस सीरीज़ में जो कि हमारी पूरी फूडी सीरीज़ है। अभी तो बन कबाब की है, आगे जाके नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और स्ट्रीट फूड को ऐसे ट्राई करेंगे, ऐसे ही रिव्यू देंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। इंशाल्लाह जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।